hello friends today we will start question number 11 if one basket of mango weighs 14 kg then how much do 20 such baskets weigh a if each mango in the basket weighs 200 gram then how many mangoes will be there in one basket बी हाउ मच डू ट्वेंटी फाइव सच बास्केट वेट लेट सी वन बास्केट ऑफ मैंगो वेट्स इज इक्वल टू फोर्टीन के इधर दिया हुआ है कि वन बास्केट ऑफ मैंगो वेट्स इफ वन बास्केट ऑफ मैंगोवेट्स फोर्टीन के जी दिया हुआ है तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वन बास्केट ऑफ मैंगो वेट्स इज इक्वल टू फोर्टीन के जी देर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी बास्केट ऑफ मैंगो वेट्स इज इक्वल टू फोर्टीन इंटू ट्वेंटी फोरटीन टू जा ट्वेंटी एट और ए जीरो तो फोर्टीन इंटू ट्वेंटी जा करेंगे तो टू हंड्रेड एटी के जी आएगा नंबर ए

तो आपका जो आंसर है वो सेवेंटी मैंगोस होगा क्वेश्चन बी हाउ मच डू ट्वेंटी फाइव सच बास्केट वेट स्टेटमेंट लिखेंगे वन बास्केट ऑफ मैंगो वेट इज इक्वल टू फोरटीन के जी देयर फॉर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सच बास्केट वेट देर फॉर ट्वेंटी फाइव बास्केट ऑफ मैंगोज वेट इज इक्वल टू फोर्टीन इन ट्वेंटी फाइव Is equal to 350 kg. Question number 13 Answer the following question on the basis of the details given in the table below. Type of vehicle, transportation of mangoes in a trip, speed of vehicle, distance covered in kilometer in one hour. टाइप ऑफ व्हीकल है अ बुलॉक कार्ट अ रिक्शो ट्रेलर अ ट्रैक्टर अ ट्रक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो इन अ ट्रिप लिखा है टू फिफ्टी के जी सिक्स हंड्रेड के जी वन थाउजेंड टू हंड्रेड के जी फाइव थाउजेंड के जी और स्पीड ऑफ व्हीकल है फाइव किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर थर्टी किलोमीटर एंड फिफ्टी किलोमीटर क्वेश्चन नंबर वन हाउ मच मैंगोस विल अ बुलॉक कार्ट कैरी इन फोर ट्रिप्स तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे अ बुलॉक कार्ट कैरीज द मैंगोज इन अ ट्रीप इज इक्वल टू टू फिफ्टी के जी इधर आपको दिया है टू फिफ्टी के जी सो अ बुलॉक कार्ट कैरीज द मैंगोज इन फोर ट्रीप्स इज इक्वल टू टू फिफ्टी के जी इन टू फोर इज इक्वल टू वन थाउजेंड के जी क्वेश्चन नंबर टू हाउ मच मैंगोज व्हील अ ट्रैक्टर कैरी इन फाइव ट्रिप्स तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे और ट्रैक्टर कैरीज द मैंगोज इन अ ट्रिप इज इक्वल टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड के जी तो आपको क्वेश्चन में, में दिया हुआ है वन थाउजेंड टू हंड्रेड के जी अ ट्रैक्टर का तो so, इधर आएगा और ट्रैक्टर कैरीज द मैंगोज इन फाइव ट्रिप्स तो फाइव ट्रिप्स में कितना होगा तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड के जी इन टू फाइव ट्रिप्स करेंगे तो आंसर आएगा सिक्स थाउजेंड के जी क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मच डिस्टेंस विल अ रिक्शो ट्रेलर कवर इन फाइव आवर्स तो स्टेटमेंट लिखेंगे अ रिक्शो ट्रेलर कवर्स द डिस्टेंस इन वन आवर वन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है ट्वेंटी किलोमीटर देयरफॉर अ रिक्शो ट्रेलर कवर्स द डिस्टेंस इन फाइव आवर में कितना करेगा तो ट्वेंटी किलोमीटर इंटू फाइव करेंगे तो आंसर आएगा वन हंड्रेड किलोमीटर क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मच डिस्टेंस विल अ ट्रक कवर इन थ्री आवर्स तो स्टेटमेंट लिखेंगे अ ट्रक कवर्स द डिस्टेंस इन वन आवर इज इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर अ ट्रक कवर्स द डिस्टेंस इन वन आवर न आवर में फिफ्टी किलोमीटर्स वो कवर करता है देर फॉर अ ट्रक कवर्स द डिस्टेंस इन थ्री आवर थ्री आवर में कितना होगा कवर तो ट्वेंट फिफ्टी किलोमीटर इन थ्री करेंगे तो वन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मच टाइम विल अ बुलॉक कार्ड टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ एटी किलोमीटर तो स्टेटमेंट लिखेंगे अ बुलॉक कार्ड टेक्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ फाइव किलोमीटर इज इक्वल टू वन आवर देर फॉर अ बुलॉक कार्ड टेक्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ एटी किलोमीटर इज इक्वल टू एटी किलोमीटर डिवाइड बाई फाइव किलोमीटर करेंगे तो सिक्सटीन आवर आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे हाउ मच टाइम विल अ ट्रैक्टर टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ नाइन्टी किलोमीटर अ ट्रैक्टर टेक्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ थर्टी किलोमीटर इज इक्वल टू वन आवर वन आवर में कितना कवर्स करता है ट्रैक्टर थर्टी किलोमीटर तो ट्रैक्टर टेक्स टू तो कवर द डिस्टेंस ऑफ तो नाइन्टी किलोमीटर होता है तो कितने आवर्स होंगे तो नाइन्टी किलोमीटर डिवाइड बाई थर्टी किलोमीटर करेंगे 90 किलोमीटर डिवाइड बाय 30 किलोमीटर तो थ्री आवर्स कवर्स करेगा टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ट्रैक्टर ओके होमवर्क है वो जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको भेज दूंगा